हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और आज का वीडियो है श्रावण मास के बारे में। जी हाँ, सभी शिव उपासकों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण माह है जिसमें वो भगवान भोलेनाथ की उपासना आराधना करते हैं। वैष्णवों के लिए भगवान भोलेनाथ पूजनीय तथा परम वैष्णव और हमारे गुरु तत्व हैं। हम सभी को भी भगवान भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने भगवान के श्री चरणों में का हमें रास्ता दिखाया, हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना जरूर करनी चाहिए। देखिए, भोलेनाथ की जो इस समय है, जो श्रावण मास है, ये क्यों सेलिब्रेट होता है इसका हम आगे जानकारी लेंगे, परंतु पूरे वर्ष में अलग अलग देवी देवताओं के समय या उत्सव आते हैं। जैसे कि नवरात्रि में हम माता दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा आराधना उपासना करते हैं, भगवान गणपति की हम स्थापना करके गणेश चतुर्दशी होती है उससे अनंत चौदश तक हम उनका उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए हम चातुर्मास करते हैं, भगवान कृष्ण का हम स्पेसिफिकली दामोदर मंथ जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं वो करते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ का हम श्रावण मास मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने इसी मंथ के दौरान, इसी माह के दौरान समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया था। हलाहल विष को ग्रहण करने से उनको कष्ट हुआ, उनके कंठ में तपिश हुई, विष की जलन हुई। जैसे भगवान भोलेनाथ ने ऋषिकेश के त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या की, अपने विष जलन थी उसे शांत करने हेतु, और वहीं पर है भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ महादेव का मंदिर। देखिए, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इसी नगरी में रहते हैं, परंतु आप सभी अपने अपने घर से भगवान भोलेनाथ की इस कष्ट को दूर करने हेतु उन पर जल और बिलपत्र से अभिषेक कीजिए। देखिए, अब हम आते हैं तथ्यों की तरफ। क्या आप सभी को सच में लगता है कि भगवान भोलेनाथ किसी भी चीज से उनको कष्ट हो सकता है? वो परम वैष्णव, परम भक्त, परम गुरु हैं, परम भगवान भोलेनाथ हैं, सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य हैं, परंतु क्या आपको लगता है उन्हें ये कष्ट हो सकता है? जी नहीं, भगवान भोलेनाथ को ये जो कष्ट था, जो उन्होंने नीलकंठ कहलाया, अपने कंठ में विष को धारण किया, ये अपने भक्तों के साथ एक बहुत ही सुंदर कह सकते हैं लीला का आदान प्रदान करने हेतु, ताकि भक्त आएंगे, अलग अलग सरोवर, नदी व पवित्र जलाशयों से भक्त लेकर चलते हैं कावड़ के रूप में जल और जाकर भगवान भोलेनाथ पर ऑफर करते हैं। ये एक बस अपने भक्तों के साथ एक लीला का, वात्सल्य का आदान प्रदान करने हेतु भगवान किया करते हैं। भगवान भोलेनाथ को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, भगवान कष्ट से परे होते हैं, परंतु ये लीला भगवान करते हैं। आप सावन मास में अलग अलग प्रकार से जप तप दान, इसी के साथ साथ ग्रंथों का अध्ययन, कथा का श्रवण इत्यादि और भगवान की सेवा, ये सब कर सकते हैं। सेवा में आप भगवान भोलेनाथ को चंदन ऑफर करें, बिलपत्र ऑफर करें, आंकड़े के पुष्प ऑफर करें, उन्हें दूध, दही, जल, गंगा जल या जो भी पवित्र जलाशय का आपके पास जल है उससे अभिषेक करें। इन सभी से भगवान को अति सुख की प्राप्ति होती है, वो प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ आप अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को ग्रंथों का ग्रंथ सुना सकते हैं पढ़ के, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। तपस्या में आप क्या कर सकते हैं? तपस्या में अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है। बहुत सारे भक्त इस माह में व्रत का पालन करते हैं। व्रत का तात्पर्य है कि वो भोजन छोड़ते हैं, वो फलाहार पे रहते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो एक समय भोजन करते हैं, एक समय फलाहार करते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ फलों पर ही व्रत करते हैं एक महीने का। ये अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति और अपने अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार किए जाने वाला व्रत है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, अपनी प्रजल्पा से बचें, भगवान की भक्ति में लीन रहें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करें, कथाओं का श्रवण करें, भगवान की ही भगवत बातें करें, अपना जो भी आपका आसपास का वातावरण है उसे भक्तिमय बनाएं। चाहे अपने घर में आप भक्तिमय सॉन्ग्स या कह सकते हैं भजन, जैसे हम गाने चलाते हैं नॉर्मली अपने स्पीकर्स पे, से आप भजन को चलाकर रखें, कथाओं को चलाकर रखें, जिससे आपका भक्तिमय वातावरण बनेगा। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे ही चतुर्मास में कि आप अपना संग पर ध्यान दें। यदि आप वैष्णव संग करेंगे तो उससे आपकी जो भी किए जाने वाले कार्य हैं वो मल्टीप्लाई होकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देंगे। तो इसी सभी तरीकों से आप भगवान शिव की आराधना और उपासना कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।